कॉपियां कैसे चेक होती है, अभी इसके बारे में दिखाऊंगा मैं कि क्या टीचर ने गलती की है यहाँ पे। और ये ऑफिशियल जो आपका जो B2B बोर्ड का कॉपी है, ऑफिशियल कॉपी है, मतलब कि एक स्टूडेंट का कॉपी है और ये 2020 का है, ठीक है। इसमें टीचर ने क्या गलती की है और आपकी भी कॉपियाँ चेक करते समय क्या गलती हो जाती है जिससे आपकी बैक लग जाती है और काफ़ी सारे बच्चे स्क्रूटनी और रिवीजन का फॉर्म भी नहीं भरते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे जो फर्स्ट पेज दिख रहा है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा कि आपकी कॉपियाँ किस तरीके से चेक होती है। देखिए प्रश्नोत्तर पहला का काफी अच्छी राइटिंग भी है बच्चे की यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर वगैरह, आपको मालूम है कि आपके जो आप क्लास में जैसे पढ़ते हैं तो ऐसे आपकी कॉपियाँ सिग्नेचर होती हैं, वैसे सिग्नेचर नहीं होती। यहाँ पे मुहर लगता है, मुहर पे क्या रहता है, मुहर पे देख लीजिए यहाँ पे सत्यापित और सिग्नेचर रहता है जन सूचना अधिकारी प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पे हर एक पेज पे आपका मुहर लगेगा और यहाँ पे देखिए नंबर मार्क्सिंग किए जाते हैं कि एक नंबर साइड में, ठीक है। अभी मार्क्स में आपको फर्स्ट पेज पे कैसे फिलअप होता है और क्या टीचर मिस्टेक करते हैं और आपको क्या करना चाहिए वो सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पेज है, हर एक पेज पे आपके मोहर लगते हैं हर एक क्वेश्चन के सामने कि हाँ बच्चे का क्वेश्चन ये चेक हुआ है, वेरीफाइड हुआ है सारी चीजें, और टीचर आपके नंबर यहाँ पे साइड में आपके नंबर दिए जाते हैं। काफी सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आधा नंबर तो कहीं मिलता नहीं होगा, आधे नंबर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। कई कई क्वेश्चन पे आपको आधे नंबर भी मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 यानी हाफ नंबर, आधे नंबर दिया गया है इस पे, और इन्होंने लिखा है यहाँ पे देखिए अच्छा खासा लिखा भी है, थोड़ा लगभग एक पेज के आसपास इन्होंने लिखा है, एक पेज नहीं उससे कम ही लिखा है, और सॉरी एक पेज लगभग एक पेज के ऊपर लिखा है लेकिन काफ़ी दूर दूर लिखा है, तो इसमें आधा नंबर, लेकिन इन्होंने कुछ सटीक नहीं लिखा होगा, कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिखा होगा, लेकिन इस बच्चे ने जिनकी कॉपी है 2020 के बच्चे की कॉपी है, एक यहाँ पे अभी सारी चीज़ें मैं ऊपर दिखाऊंगा, इनके साथ काफ़ी गलत हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें मोहर वगैरह सारी चीज़ें लगी हैं, लेकिन टीचर मिस्टेक्स क्या करते हैं, और इसी तरीके से आपकी कॉपियाँ भी चेक होती हैं। जनरल मार्किंग आप जानते हैं कि आप कुछ लिखे हैं तो आधे नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर ऐसे दे दिया जाता है। अगर आपने जैसे हेडिंग होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का प्रकार पूछ लिया कि हाँ इसके बारे में बताइए और इसके प्रकार के बारे में बताइए, तो आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे दो तीन पेज में, तभी आपको पांच में चार नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा सही से, ठीक है। तो ये सारी चीज तो आपको आप जानते ही होंगे और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, लेकिन इस वीडियो में बताने का उद्देश्य मेन ये है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और टीचर क्या गलतियां कर देते हैं। आपको गलती ये नहीं करनी है कि सपोज कीजिए कि आपकी कॉपी चेक रिचेक हो गई या फिर चेक हो गई, ठीक है, आपका रिजल्ट भी आ गया और आपकी बैक लग गई, आपने कॉपी पे मोबाइल नंबर लिख दिया है या फिर कुछ और लिख दिया है मोबाइल नंबर या फिर इस तरीके से कि सर मुझे पास कर दीजिए मैं बहुत गरीब हूँ ये सारी चीज़ें, तो अब जब आप रिचेक और स्क्रूटनी रिवीजन का फॉर्म डालेंगे, रिचेक या फिर स्क्रूटनी रिवीजन कह लीजिए उसका आप फॉर्म डालेंगे, तो जब आपका कोई अच्छे तरीके से उसके बाद दूसरी बार जो कॉपी चेक होती है, हालांकि अगर समय रहता तो अच्छे से चेक होती है, तो अगर वो टीचर देखेगा कि इस बच्चे ने इस तरीके से करतूत की है, इसीलिए इसका हो सकता है कि इसे नंबर अच्छा भी पाया होगा लेकिन इसी करतूत के चलते बैक लगा दी गई है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी नहीं है। कि आपको मोबाइल नंबर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि काफी सारे बैक वाले पेपर वाले बच्चे होते हैं कि मोबाइल नंबर वगैरह या फिर पैसा वगैरह रख के चले आते हैं जिससे काफी दिक्कत होती है, तो मोबाइल नंबर और पैसा वाला चीज तो मैंने पिछली वीडियो में ही बता रखी है। इस वीडियो में बताने का उद्देश्य मेन यह है, यहाँ पे पहले आप ऊपर की ओर चले, यहाँ देखिए सारे रोल नंबर वगैरह दिए, यहाँ पे क्रमांक रहता है, कॉपी का क्रमांक रहता है, यहाँ पे रोल नंबर रहते हैं, सिग्नेचर रहते हैं, सिग्नेचर रहती है, यहाँ पे आपका जो किस रूम में बैठते हैं सारी चीजें आप जानते ही होंगे, भरते होंगे, ठीक है, यहाँ पे निर्देश दिए होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पहले का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या है, यहाँ पे पहले का क्वेश्चन है, पहले का ए बी मतलब पार्ट दो दो पार्ट तीन तीन पार्ट करके आता है। अब देखिए पहले में यहाँ पे एक नंबर इनको मिला है, फिर दो नंबर मिला है, तीन नंबर हो गया, फिर यहाँ पे दूसरे में देखिए दो नंबर और दो नंबर, चार नंबर, चार और तीन सात नंबर, फिर सात और चार 11 नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा ए और बी में चार नंबर 11 नंबर, और एक नंबर ये इसमें चौथे में देखिए एक नंबर मिला है केवल, और ए बी सी में जैसे कि इन्होंने ए किया है और सी किया है, बी ऑप्शन नहीं, दो ही करना होता है तीन में, तो एक नंबर मिला है। तो यहाँ देखिए एक नंबर और तीन नंबर, चार तीन सात नंबर, सात चार 11 नंबर, 11 एक 12 नंबर, और 12 चार 16 नंबर। अब यहाँ पे देखिए प्राप्तांकों का कुल योग, यहाँ पे देखिए प्राप्तांकों का कुल योग 11 नंबर। अब ये काफ़ी बड़ी गलती है जिससे कि आपको क्या होता है, आपको स्टूडेंट को यानी काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पे जोड़ने पे पूरा ऐड करने पे टीचर ने भी नंबर दिया है 16 नंबर दिया है, टोटल 16 नंबर दिया है, और यहाँ पे टोटल प्राप्तांकों का कुल योग में 11 नंबर जल्दी जल्दी में। आपको मालूम कि आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, टीचर को इस पर पैसे रहते हैं कि हाँ एक कॉपी आप चेक करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, और लगभग एक दिन में कई सारी कई सौ कॉपियाँ सैकड़ों
आप क्या टीचर चेक करते रहते हैं, तो जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस केस में देखिए, ये तो जल्दबाजी में गलती हो गई और आपको लगा था कि हाँ आपने यहाँ पे जैसे कि 16 नंबर इन्होंने पाया भी है, तो 16 नंबर का मतलब जाहिर सी बात है कि एक नंबर कहीं से मैनेज करके 17 नंबर आपको दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर ही केवल कुल योग में दिया गया है और 11 नंबर ही इनको मिलेगा। अब यहाँ पे जो कुल योग में दे दिया गया है वही आपके मार्कशीट पे आता है कि हाँ 11 नंबर पाया है बच्चे ने, 11 नंबर दे दिया है। अब इस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि हाँ हमने तो भाई 25 नंबर 20 नंबर किया है, कम से कम 17-18 तो मिलना ही चाहिए, तो इस केस में आपको स्क्रूटनी और रिवीजन का फॉर्म भरना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।